आपका स्वागत है ऑनलाइन डेयरी ज्ञान में ऑनलाइन डेयरी ज्ञान जो है वो आपको हमारा स्कूल है और इसमें हमने अभी फार्मर्स स्कूल भी जोड़ दिया मतलब फार्मर स्कूल का ये है कि फार्मर ही आपको बताएगा मैं जो कह रहा हूँ उसको आप मतलब कोई तोज्जो मत दीजिए आप फार्मर हैं हम उनके लिए यहाँ आपको बाद में दे रहे हैं तो आप उनसे पूछ लीजिए कि क्या है तो मैं आपको आज जो है इसके बारे में बताऊंगा ये मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर जो होता है अक्टूबर तक ये बाहे परजीवी बहुत हो जाते हैं बाहि परजीवी के लिए तो बहुत सी दवाई है ब्यूटोक्स भी लगाते हैं एमिटास भी लगाते हैं तो वो तो ब्यूटोक्स तो बाहर के लिए है एमिटास मतलब जो है वो शरीर पे लगाने के लिए पर वो बड़े के लिए होता है ब्यूटोक्स तो वो तो उसके मेरे वीडियो पीछे है आप देख लीजिए उससे मक्खी मच्छर के रिली पीली सब मर जाते हैं अभी आइवर मैक्टीन भी है आइवर मैक्टीन लगाते हैं बिना दूध देते हुए जानवरों में तो वो जो है बिना दूध देते हुए जानवर आइवर मैक्टिन को लगाते हैं तो वो सभी अंदर के बाहर के परजीवियों को मार देता है कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक ही उसको यूज करते रहे तो फिर वो उसमें प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है के में और फिर मर जाती है मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे केलीली के से बवेशिया थेरिया एना से जाती है उससे डेरी बैठ जाती है तो इसको वो सब टेक बॉर्ड इंफ्रास्टेशन है उनको टी कहते हैं टिक बॉर्ड डिजीजेस तो ये वायती गायों में ज्यादा रखती है जैसे साहिवाल है गिरी है इनमें ज्यादा कलीरी नहीं लगती है हरियाणा में भी नहीं रखती पर इसमें काफी ज्यादा लगती है तो आइवर वैक्सीन लगाते हैं लोग अग एक उस, उसको नॉन इलेक्ट्रेटिक एनिमल में प्रेगनेंट में आप लगा सकते हैं पाँच छह महीना से बड़े बच्चे को भी लगा सकते हैं पर यह है कि आयोर मैक्टीन को छोटे बच्चे पे आप लगा देंगे तो उसमें काफी कभी कभी प्रैक्टिकली डिफिकल्ट हो जाता है इसलिए वहां पे तो आप टिकट है उसी को यूज करिए पोरन को यूज कर सकते हैं टिकटैक को यूज कर सकते हैं देखिए आज की वर्ता में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये आयोर मैकटिन की जगह ये अब आ गया है ये काफी पोर्टेंट है और ये दूध में कम आता है एडवेंटो एडवेंटो है ये देखिए एडवेंटो एड इसका मतलब ये है करीब पचास एम एल की शीशी एडवेंट होगी तो ये आप ले सकते हैं ये आप लगा देंगे जानवर को एक बार तो इसको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं होती ये एक बार लगाने के बाद काफी दिन तक असर करता रहता है बीस पच्चीस दिन इसकी खास बात यह है कि जहाँ एवर वैक्टर नहीं मर रहे वहाँ लगाइए ये।, ये उससे ज्यादा पोटेंट है और ये जो लाइस होती है लाइस मतलब जो खजेरे कुत्ते को जैसे हो जाती है लाइस वो खुजाता रहता है तो ये लाइस को भी मारती है तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं क्योंकि जितने भी ये क्लिनिक मारने की दवाईया होती है बदल बदल के आप लगाएंगे तो आप उसमें रेजिस्टेंस से बच जाएंगे उसके जो रेजिस्टेंट वाली क्लिनिक होती है वो नहीं बन पाएंगे वो अंतरिक्ष परजीवियों के लिए सबसे से पेनाकूर है उसकी डोज फाइव एम पर के है बच्चे बूढ़ा सबको दे सकते हैं ब्याहते वक़्त भी दीजिए और जब प्रेगनेंट एनिमल है तब भी दीजिए पर जबरदस्ती बार बार मत दीजिए जो कीड़े जो है वो बरसात से पहले और बरसात के बाद बहुत बरसते हैं फिर छह महीने पे दे दीजिए और फिर डिपेंड करता है जैसे राजस्थान में कीड़े बहुत कम होते हैं यहाँ जो है तराई के इलाके में पूरा नेपाल तक और आपके बिहार बिहार बंगाल यहाँ पे जो है कीड़े काफी होते हैं तो वो उसके हिसाब से जैसे वो नदियां वहाँ बहुत है बिहार में तो वहाँ जो है फेशलाइसिस होगा जिगर का कीड़ा बहुत होगा उसे सावधान रहिए गोबर की जांच करा लीजिए और माइक्रोस्कोप से हम भी गोबर की जांच कराना सिखाते हैं आपको सबसे सही तरीका ये है कि वहाँ कोई आपके वो आस पास बैठने कॉलेज हो या लैब हो तो उसमें जांच करा ली जांच करा के दीजिए इनको बेकार में देने से बहुत नुकसान हो जाता है लेवर डैमेज तो ये करते ही है और लेवर डैमेज करते हैं उसके बाद उनको पीलिया हो जाता है कभी कभी नुकसान भी हो जाता है तो ये मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये जो है ऑक्सीक्लोराइट का काम नहीं करता है ये जिगर के कीड़े नहीं मारता बाकी सभी कीड़ों को मार देता है इसको आप फिर देख लीजिए एम एस डी कंपनी का ही एडवेंटो एडवेंटो है एम एस डी कंपनी का इसमें थोड़ा आइवर में तेज मिलता है पर ये काफी पोटेंट है और आप इसका यूज करिए धन्यवाद आपने सुना